वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूं आपके साथ आशीष मिश्रा। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी लोकसभा सीट पर। आइए जानते हैं यहां की जनता से कैसा है यहां का चुनावी माहौल। आपको बता दें इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा सांसद प्रियंका रावत का टिकट काटकर इस बार उपेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा गया है, जबकि सपा पार्टी ने राम सागर रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया इस बार मैदान में। हाँ तो डॉक्टर नागेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस बार बाराबंकी में राजनीतिक माहौल किस तरह का लग रहा है। देखिए, जो राजनीतिक माहौल की बात मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक बार फिर से पब्लिक मोदी जी के समर्थन में अपना मत करना चाहती है। देश के विकास के लिए है, जो आदमी विकास करना चाहता है, जो राष्ट्रहित की बात करता है, जो सुरक्षा की बात करता है, किसानों की बात करता है और एक भारत का जो गौरव बढ़ने का काम दुनिया के अंदर हुआ है, जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है, अपने आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो मोदी जी हैं और उनके टक्कर में कोई दूसरा व्यक्ति कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं। इसलिए यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है वो बीजेपी के फेवर में दिख रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का रुझान आप कहीं पर भी पूछेंगे तो बीजेपी के फेवर में ही आता है। बाराबंकी का चुनावी माहौल किस पार्टी को जीता है? और गठबंधन और भाजपा के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी डिफर कर देगा, ज़्यादा जाएगा। अच्छा, तो केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं, राहुल मोदी या गठबंधन जी? सर, राहुल जी होगी। आपको क्या लगता है कि प्रियंका रावत का टिकट किस कारण से काटा गया होगा? उन्होंने काम अच्छा नहीं किया या कुछ इसके दूसरे और कारण रहे होंगे? ये सर हमारा सोचना है या जनता का सोचना है, कहीं वो जाते नहीं रहे। एक्स वाई जेड दो चार लोग पास गए, मान लें बहुत सारे कोई विधानसभा चली गई, कहीं गए कहीं नहीं गए। हमारी जो सोच है कोई गई बहने के कोई काम सुनते नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि इसकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है? मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रियंका जी का टिकट जहाँ से कटा है तो सोच समझ के ही कटा होगा, कुछ उनको ऐसा लगा होगा कि उनके रहने से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ जो आदमी देख रहा है उनके कैंडिडेट को ये बात बहुत पीछे चली गई है। इस समय आदमी सिर्फ एक चीज़ जो देख रहा है वो मोदी जी को देख रहा है, मोदी जी का काम और मोदी जी का मेहनत लगन परिश्रम और समर्पण से जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को ही देख रहा है और अपना वोट मोदी जी को ही देना चाहता है। चुनाव जीतने की संभावना किसकी प्रबल लगती है? तीनों जो माहौल चल रहा है बराबर तीनों चल रहे हैं। ये तो सब जितने नेता हुआ था सबका माहौल बना था। जितने नेता हुआ था राहुल गांधी जिस दिन और आता है सबका माहौल बनाते हैं। अब कैसे माहौल बनाते हैं, अब वोट जब पड़ी तब पता चली कि किसका माहौल बनता है। प्रियंका जी का आने का कोई प्रभाव नहीं है। और मैं आज एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, आप 23 मई के बाद आप देखिएगा, ये मैं अंदर की बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया बड़े नेता है, कांग्रेस के नेता है, जो भी है, लेकिन वो जिस विचारधारा के साथ वो विचारधारा उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। वो यहाँ पे भले ही उनको लोग हैं पसंद करते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में मैं ये कह दे रहा हूँ कि वो आप देखिएगा देखिए उनकी जमानत यहाँ से जब्त हो जाएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक बिल्कुल किसी तरीके का नहीं है। और जिस तरीके से उनके बड़े नेता हैं बयानबाजी आप उनकी सुन लीजिए, ऐसी देश विरोधी भाषा बोलते हैं, बहुत कष्ट होता है कि आप रहते यहाँ खाते यहाँ और बातें आप किस तरीके की करते हैं। यहाँ पब्लिक वो हवाओं को समझ ही नहीं पा रहा है। बड़ा कोई खुद से नहीं होता है, बड़ा इसलिए होता है कि लोगों से जुड़े लोगों समस्याएं लोगों की भावनाओं को समझे तो बड़ा होता है।